चलिए सर, टॉपिक है बहुत सिंपल, अदर देन कैश। अदर देन कैश, सर अदर देन कैश क्या होता है? इसमें कितने टॉपिक पढ़ाओगे सर आप? पहले टॉपिक की बात करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या क्या है। सर इसमें होगा व्हेन सिंगल एसेट्स एसेट परचेज। एक तो सिंगल एसेट्स पे क्वेश्चंस बनेंगे सर। सेकंड होगा व्हेन बिजनेस परचेज जब हम बिजनेस खरीदेंगे सर। थर्ड वन होगा व्हेन शेयर इशू टू प्रमोटर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे व्हेन शेयर इशू टू अंडरराइटर। टू अंडरराइटर ये टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं सर। नेक्स्ट क्लास कल होगी? नहीं, अभी टीटीएस कर दिया ना आपका, 2 घंटे का कर दिया टीटीएस, तो वही चलने देते हैं 5 से 7। और जैसे मुझे लगेगा कि चैप्टर मुझे इसी हफ्ते ख़त्म करना है तो मैं रेगुलर रख लूँगा। आपकी टाइमिंग अगर मैंने 6 बजे रखा है तो 7 बजे मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा। आपका जो शेड्यूल है वो 7 बजे आप रख सकते हो, 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे ऑलरेडी मेरे 2 शेड्यूल लगे हुए हैं, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। हाँ, आपकी टाइमिंग को मैं अगर 6 बजे करूँ रेगुलर कर सकता हूँ, ऑल्टरनेट कर सकता हूँ, वो आपने बोला हुआ है वो कर लेंगे। 7 बजे के बाद अगर आपको कोई भी काम करना है वो कर सकते हैं, वो फ्री रहेगा हमेशा। और 5 बजे से पहले आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो काम फ्री रहेगा। ठीक है ना, वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मैं कभी भी ऐसे टाइम नहीं चेंज करूँगा जिससे दिक्कत हो। अभी तो पहले आज ये करते हैं, फिर अगर मुझे लास्ट तक लगा कि भैया कल कोई चैप्टर हम ख़त्म करा पाएंगे तो उसके हिसाब से फिर मैं कल भी क्लास रख लूँगा। मुझे तो जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म कराना है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर भी 3 पार्ट आएगा। सबसे पहले तो भैया सर ये बताओ कि अदर देन कैश होता क्या है। सबसे पहली बात तो इतने टॉपिक्स पढ़ाओगे लेकिन ये भी तो पता चले कि अदर देन कैश क्या होता है। वैसे तो एक्चुअल नाम है इशू ऑफ शेयर। नाम तो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है ना, हमने शेयर इशू किया। इशू मतलब मैंने शेयर्स को पब्लिक को दिया। किसको दिया? शेयर जो मैंने दिया, इशू का मतलब होता है कि मैंने दिया किसी भी पब्लिक को। अब जब मैं पब्लिक को शेयर दूंगा तो 2 कंडीशन हैं। अगर मैंने इससे पैसा लिया, इससे क्या लिया? पैसा, तो ये वाला तो हो गया शेयर इशू ऑन कैश। अगर मैंने इससे पैसा लिया तो शेयर इशू हो गया, और ये इशू कैसे माना जाएगा सर? ऑन कैश माना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हमें यानी कंपनी को, जैसे मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी को, इस व्यक्ति ने कोई एसेट्स दिया, कोई भी एसेट्स दे दिया, मशीनरी दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, सपोज बिल्डिंग दे दिया। अब इस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब मैं आपको अपना बिल्डिंग 1 लाख रुपए में दूंगा। कंपनी ने बोला भी मुझे तो जरूरत है, मैं खरीद रहा हूं 1 लाख रुपए की तुम्हारी बिल्डिंग।
कंपनी ने कहा मैं तो खरीद लूंगा आपकी 1 लाख रुपए की बिल्डिंग, मेरे को जरूरत है, पैसे लो। लेकिन इसकी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी इसकी, कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपसे क्या लूंगा, मैं शेयर लूंगा। तो ऐसे देखा जाए तो कंपनी ने फिर से शेयर क्या करा, लेकिन क्या बदले में पैसे मिले इसको? नहीं मिले। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया, शेयर इशू तो किया जा रहा है, पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया अदर देन कैश। इस अदर देन कैश में कितने कॉन्सेप्ट करेंगे सर, जब सिंगल परचेज एसेट्स करें, कभी कभी तो हम बिजनेस भी खरीद लेंगे, कई बार प्रमोटर के उनकी मेहनत के भी हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ अंडरराइटर को भी देना पड़ता है। तो हम कितने पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। हम पहले पॉइंट को करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सर पॉइंट नंबर 1, व्हेन सिंगल एसेट परचेज, व्हेन सिंगल एसेट्स परचेज, सर जब हम एक पर्टिकुलर एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में 3 केसेस बनेंगे। हाँ भी तीन केसेस बनेंगे, या तो मैं शेयर को इशू करूंगा, शेयर इशू जो करूंगा एट पार करूंगा, या फिर मैं शेयर इशू करूंगा एट प्रीमियम, या शेयर इशू करूंगा मैं एट प्रीमियम। तो हम कुछ पॉइंट्स पार के देख लेंगे, कुछ पॉइंट प्रीमियम का। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी ₹1 लाख एंड इशू इक्विटी शेयर। यह है हमारा क्वेश्चन, आंसर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, हमने एक एसेट्स खरीदा और किससे खरीदा नहीं पता। मैं यहां पे यह भी बोल सकता था कि एक्स वाई जेड परचेज अ मशीनरी ₹1 लाख फ्रॉम, यहां पे लगा सकता था मैं, क्या लगा सकता था, फ्रॉम मोहन। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो एसेट्स मैं खरीद तो रहा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति से खरीद रहा हूं उसका नाम भी पता है, लेकिन हमारे कंपनी शेयर कैपिटल में उस व्यक्ति का नाम पता हो चाहे ना पता हो, हमें लेना देना ज्यादा नहीं होता। हम उस व्यक्ति का जिससे भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि ये मोहन की बात चल रही है, तो इसका हम एक एक हम अकाउंटिंग नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे, वैसे जनरली हम इसको क्रेडिटर बोला करते हैं जब उधार माल खरीदते हैं किसी से, लेकिन यहां उधार माल नहीं है तो इसको हम एक नाम दे देंगे, दैट इज वेंडर, इसको नाम दे दिया जाएगा दैट इज वेंडर। समझे बात आप सर, वेंडर का मतलब जो सामान बेचता है उसको वेंडर बोल देंगे। ठीक है, जनरल एंट्री में जब कभी भी मैं इसे सामान खरीदूंगा तो एंट्री क्या करूंगा मैं सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब जिससे खरीदा है उसका नाम लिखना पड़ेगा, या तो आप मोहन लिख लो आपकी इच्छा है, या इसकी जगह पे आप वेंडर लिख सकते हो। कितने रुपए का सामान खरीदा सर, 1 लाख का, बींग मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन। अगली एंट्री की हम बात करते हैं, अगली एंट्री की बात करते हैं।
ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री की बात करें, इसके बाद एक और एंट्री करनी है जो कि क्या होगी सर, अब हम इसको पैसे ना देंगे क्योंकि एज अ क्रेडिटर हो गया ये क्या हो गया क्रेडिटर, अब हम इसे पैसे नहीं देंगे शेयर दे देंगे। तो एंट्री में कर सकता हूं वेंडर, अगर लिखूं तो वेंडर अकाउंट डेबिट और इसको शेयर दे देंगे, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इसने बोला सिर्फ शेयर इशू करना है, ये नहीं बताया कितने नंबर इशू करना है। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है तो 1 लाख का ही शेयर इशू कर देंगे। बींग शेयर इशू टू वेंडर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, मोहन का नाम भी लिख सकते हो। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में पहले बताओ, किसी स्टूडेंट को दिक्कत, जितने बच्चे लाइव है बता दीजिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। और आप सभी को भी आगे समझ में, सिंपल है, बेसिक एंट्री है, 12वीं क्लास में सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यू हो। चलिए और भी इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। मैं सेम क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन रहेगा ना तो आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर टू, बस इसमें थोड़ा चेंज करूंगा, इक्विटी शेयर यहां चेंज कर देंगे थोड़ा, 1 लाख ही रखते हैं, 1 लाख एंड पेड ₹60,000 कैश बैलेंस, बैलेंस जो बाकी का बच गया हमारा, उस बैलेंस को क्या कर रहे हैं हम, इशू इक्विटी शेयर, ठीक है। अब एंट्री देखो कैसी होगी, पहली एंट्री जो होगी वो होगी मशीनरी, अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मैं अब बींग नहीं लिखूंगा क्योंकि बींग एक बार लिख दिया वही वही चलना है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा, आप बस एक बार समझ गए तो वही रहेगा, 1 लाख। अब आएगा वेंडर, अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब जो मैं इक्विटी शेयर दूंगा और मैंने जो कैश दिया है उसके लिए मैं वर्ड यूज कर लूंगा कैश, तो सर इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, सर इक्विटी शेयर हो जाएंगे 40,000, और 60,000 का हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर टू भी खत्म। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम क्वेश्चन को लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, यहां थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहे हैं, मैं अपने एग्जाम्पल कराऊंगा, बुक के भी क्वेश्चंस हैं वो भी करा देंगे। एक्स वाई जेड परचेज अ मशीनरी रुपीस 1 लाख, एंड बिल्स पेबल ड्रॉन ₹10,000, बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। चलिए अगली एंट्री, पहली एंट्री तो हर किसी का सेम रहेगा इसलिए मैं एंट्री को ही कॉपी कर लेता हूं, पहली एंट्री सेम रहेगा, ये लीजिए फर्स्ट एंट्री डन, ठीक है। सेकंड एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे एप्लीकेशन वगैरह नहीं आएगा, और टू यहां पे बिल्स पेबल आ जाएगा, बिल्स पेबल, तो वेंडर में आ जाएगा 1 लाख, इक्विटी शेयर में 90,000,
और इसमें 10,000, ये तीन केसेस इसके हो गए सिंपल वाले पार्ट के। इसको मैंने सिंपल पार्ट बोल लो या एट पार वाले पार्ट, तीन क्वेश्चन कराए हैं, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं सर प्रीमियम वाले पॉइंट पे। किसी बच्चे को साइंस स्टूडेंट के लिए अलग से ट्वेल्थ वाली पढ़ना पड़ेगा, ट्वेल्थ वाला शेयर कैपिटल पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए। ऑलरेडी फोल्डर मैंने डाल दिया है, ओल्ड रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो मिल जाएगा। चलिए सर, यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बता दीजिए आप, नहीं तो फिर हम अगले पेज पे चले। सर दिस इज माई फर्स्ट क्लास ऑफ सेशन, शुड आई टेक लाइव क्लास और फर्स्ट आई नीड टू द कवर ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। देखो ये आज लास्ट टॉपिक है इसका, क्या नाम है आपका, शशांक, शशांक है, अच्छा शशांक। तो आज फर्स्ट क्लास है तो आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, बाकी आज वाली जो लाइव क्लास आप देख रहे हैं आपकी पुरानी क्लास से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल न्यू और ये बेसिक सेंट्री है जो सबको समझ आएंगे। तो आज की क्लास देख लो, उसके बाद प्रीवियस क्लास आप करना, अगले क्लास में न्यू चैप्टर ही स्टार्ट हो जाएगा। सर क्लास के बाद कन्वर्सेशन चैट ऑफ क्यों है, क्लास के बाद अभी बात करते हैं, क्लास में तो कर ही रहे हो, अच्छा जो ग्रुप चैट है उसकी बोल रहे हैं। और पहले आप इस पे बात करते हैं भैया, किसी का डाउट है इसमें तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इसे इरेज करके फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चलूं। आपके सामने क्वेश्चंस है, किसी बच्चे का कोई डाउट, आपको क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी सर, अंडरराइटर का रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड कर दो ऐप पे। कर देंगे कर देंगे, पहले अभी इसकी बात करते हैं। हमने ये वाला टॉपिक पूरा पूरा खत्म कर लिया, मैं इस पे चेक मार्क लगा देता हूँ। बाकी ये सारे टॉपिक्स सेम क्वेश्चंस को हम आगे लेके चलने वाले हैं, तो मैं सेम ही तीन टाइप के यहाँ पे ले लूँगा क्वेश्चंस को, तो मैं इसलिए आंसर्स को मिटा देता हूँ और क्वेश्चंस इसी के नीचे कर लेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को भी हटाना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए एक न्यू क्वेश्चन ही बना लिया जाए, ठीक है, एक न्यू क्वेश्चन ही इसके लिए बना लिया जाए, इसी को कॉपी कर लेंगे, हटा ही देते हैं इसको भी। चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर, सॉरी पहले वेंडर से स्टार्ट करना पड़ेगा ना इसको, तो मैंने कहा एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज, अब मशीनरी कर देते हैं, ठीक है मशीनरी नहीं फर्नीचर कर देते हैं, फर्नीचर रुपीज 1,10,000 एंड इशू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इशू किया एट 10% प्रीमियम। अब यहां पे एक पंगा है, जब भी प्रीमियम का होगा ना तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमें यहां पे देखा जाए तो बहुत सिंपली नंबर निकालना पड़ेगा। आप अगर यहां पे ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे ना तो बहुत बच्चों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम 11,000 होगा। मैंने पूछा भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे 11,000 होगा, उनका दिमाग ये काम करता है सर 1,10,000 का फर्नीचर उसके ऊपर 10% प्रीमियम जो कि हो जाता है 11,000, जबकि यहाँ पे 11,000 नहीं होता, हम प्रीमियम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ये जो प्राइस है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट का वैल्यू, एसेट्स वैल्यू, और वो भी अगर कोई कैश बिल्स पेबल पेमेंट है
उसके बाद वाला वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी कैश वगैरह करा, डिवाइड कर देंगे हम आपका फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों को जोड़ करके फिर डिवाइड कर देंगे। हाँ, अगर डिबेंचर वाला जब पॉइंट आएगा तो वहां डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, सारे शेयर तो प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेस मान लूँ तो भैया यहाँ पे जो मेरा एसेट्स का वैल्यू है दैट इज 1,10,000। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको तो डिवाइड 1,10,000 है, 10% अगर मैं जोड़ लूं तो सर फेस वैल्यू बता दो। हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चंस में फेस वैल्यू ना गिवन हो तो आपने मान लेना है कि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये ही रहा होगा, मान लेना है। तो 10 रुपये फेस वैल्यू रहा होगा और 10 रुपये के ऊपर अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 10% अप्लाई होगा, दैट इज हमारा निकल के आएगा 1 रुपये, तो +1। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 11, तो नंबर जो निकल के आएगा मेरे पास दैट इज 10,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये का है, नंबर कितने का निकल के आया 10,000, तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 1 से तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, जबकि यहाँ पे आप कितना सोच रहे थे इसको 11,000, वो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं सिंपल इधर ही जर्नल एंट्री कर देता हूँ, क्या करूंगा सर, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर से एंट्री करनी पड़ेगी, फर्नीचर अकाउंटेबल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी वेंडर, कितने रुपए सर, 1,10,000। एक लाख दस हजार बिंग वही रहेगा, बिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली एंट्री, इसको क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, सर ये 3 हो गए थे पहले, इसको 4 कर देते हैं, वेंडर। अब अगली एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब 2 में क्या आ जाएगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम SP लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे तो 1,10,000 ही आना है। ठीक है, इक्विटी शेयर, क्योंकि नंबर आपने 10,000 निकाल लिया तो अब 10,000 को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10, यानी सारा खेल अब इस नंबर से ही चलेगा, तो कितने हो गए सर। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐसे ही निकालना है कि 10,000 नंबर निकला और 1 रुपए का 1 पे प्रीमियम है, तो दैट इज, तो ये एंट्री हमारा डन हो गया, ये एंट्री हमारा डन हो गया। ठीक है, ये एंट्री क्या हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने कहा मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा केसेस में सेम ही लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, यानी मैं क्वेश्चन नंबर इसको क्या नाम दूँ, 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सर, मैंने यहीं पे कहा सपोज, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंड कैश पेड ₹11,000। इस क्वेश्चंस का मतलब है कि भैया मैंने उसको 1,10,000 का फर्नीचर खरीदा और जिसमें से 10% प्रीमियम पे तो है ही, और कैश भी मैं पेमेंट कितना कर दूंगा, 1,00,000, सॉरी 11,000 रुपये का पेमेंट कैश कर दूंगा, 11,000 है ये, 11 ही लिखा। ठीक है, तो अब अगेन आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको एसेट्स का वैल्यू चाहिए, और मैंने क्या लिखा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो अगर एसेट्स की वैल्यू देखें तो 1,10,000 है, लेकिन 1,10,000 नहीं लिखना हमें, अगर कोई कैश या बिल्स पेबल वगैरह है तो उसको माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा 11 माइनस कर देंगे तो 99,000, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा हमारा फेस वैल्यू और प्रीमियम 1, तो ये हमारे नंबर निकल के आ गए 9,000। समझ में आई बात आपको। अब हम इसको क्या करेंगे सर, आगे टू बी कंटिन्यू,
यानी एंट्री करेंगे फिर से हम फर्नीचर अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा मैं इसके नीचे कर रहा हूं तो दैट मीन्स नॉट, मैं मिटा ही देता हूं, दैट इज नॉट के ये किसका है, अगर मैं इसके नीचे कर रहा हूं ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ही सारा चल रहा है, तो सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम उठा के इधर ही कर देते हैं ना सारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और यहां आ जाएगा हमारा 110,000। अब क्या आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू कैश, ये तो 110 ही रहेगा इक्विटी शेयर में, क्योंकि नंबर 9,000 निकल के आए हैं तो इसी से मल्टीप्लाई होगा सारा 90,000। सिक्योरिटी प्रीमियम है 9,000 इंटू में 9,000, और ये तो क्या ही रखा है 11,000। 11,000 मैंने 110,000 लिख दिया, 11,000 ये जाके हमारे इसकी एंट्री बनती है। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, एक और केस कराना है उसके बाद काम खत्म, एक और केस कराना है उसके बाद काम खत्म, मतलब सिंगल एसेट्स वाला खत्म हो जाएगा। चलो पूरे को कॉपी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, बदलाव क्या ऐड ऑन कर रहा हूं, ₹10,000 पेड इन कैश, चेक हो तो बैंक आ जाएगा ये तो आप जानते ही हो, मैं चेक वर्ड लिखना चाहता हूं। चेक, सेम क्वेश्चन बन गया, बस यहां पे एक दिक्कत आ जाएगी, हमें नंबर निकालना होगा, तो 110,000 तो लिखेंगे नहीं, हमें लिखना होगा आफ्टर एडजस्टमेंट दैट इज 1,00,000। अब 1,00,000 के बाद हम डिवाइड कर देंगे किसे, डिवाइड कर देंगे हम 11 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.,, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अच्छा ऊपर एंट्री है ही है, क्यों करें फिर, उसी से काम चल जाएगा ऊपर वाले एंट्री से, एंट्री यही सेम है। अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। अब जब हम इसको टैली करेंगे तो हेयर यहां पे तो आ जाएगा 110,000, ध्यान दीजिएगा इक्विटी शेयर में जो ये पॉइंट के बाद के डिजिट है इसको हटा देना है, नॉर्मली हम राउंड फिगर में आगे कर देते हैं लेकिन आपको आगे नहीं करना, पॉइंट के बाद वाले डिजिट हटा देना है, यानी अब जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज आप करोगे इससे, तो आपका डिजिट आएगा 90। सिक्योरिटी प्रीमियम भी जब आप लोगे तो आपका डिजिट आएगा, मेरे ख्याल ये भी 9 ही आएगा क्या, ये भी 9 आ गया ना, नहीं 0 तो आना है ना एक लास्ट में, ठीक है। कैश में कितना पेमेंट दिया, 10,000, और फाइनल देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस निकल रहा है, आपका डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं होगा। अगर मैं फाइनल देखूं तो प्लस
तो ये 89 आ रहा है, -110। मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया क्या? मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे ये गलत निकल गया, ये गलत निकल गया। ये आएगा 9090.90909090। ठीक है, तो उसके हिसाब से नंबर चेंज हो जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 9090×10। तो यहाँ पे जो डिजिट निकल के आएगा 9090 और ज़ीरो, सर यहाँ पे निकल के आएगा 9090×1, क्योंकि मैंने ये डिजिट छोड़ दिए जो इसके बाद थे, सिर्फ ये डिजिट लिया है। बैंक से पेमेंट 10 कर दिया। अब देखो डिफरेंस जो है वो 10 रुपये का मिलेगा। उस डिफरेंस को आप मैच कर दोगे कैश से, हमेशा याद रखना 10 रुपये से। तो ये जाके एंट्री हुआ। तो यहाँ पे ट्रिक यही था कि कई बार हमारे आंसर जो है पॉइंट में आ जाते हैं, तो जब पॉइंट में आते हैं तो उसके केस में ये बन जाता है। जितना भी निकले, जितना भी एक्स्ट्रा हो, तो 10 रुपये से मैच कर देंगे। हमारा सिंपल वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया, मतलब कि सिंगल एसेट्स।